गुड मॉर्निंग गाइस, जय गुरु जी। कैसे हो? सुबह के बजे 6:30 और ये रहे आपके जीजू। ओह, जय गुरु जी। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। सो ही इज ऑन सेट फॉर हिज ऑफिस और बस निकलने वाले हैं। मैंने टिफिन बना दिया। आज मैंने नाश्ते में सूखे आलू बनाए, पैक कर दिए, और दाल मखनी, बस ये पैक कर रही हूँ। ये रही गाइस हमारी दाल मखनी, तैयार हो चुके विदाउट मक्खन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। पार्ट को छोड़ने जा रही हूँ गाइस मैं, और देखो क्या मस्त डिज़ाइन हमारी स्टेज पे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ वाइट वॉश हुआ है और इन्होंने पूरा सा चितकबरा बना दिया है इसको। वाह 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 वाह। किसी ने ये चितकबरा चिप डिज़ाइनिंग करवानी हो अपने घर में तो हमारे यहाँ लगी हुई लेबर को आप बुला सकते हैं, काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। बस में दीवार का वाइट वॉश भी हो जाएगा। यस yes। तो हम जा रहे हैं अपने लल्ला को स्कूल छोड़ने, और बड़े लल्ला अपने ऑफिस जा चुके हैं, और ये लल्ली जो है वो ऑफिस आकर और भी बड़े लल्ला और लल्ली के लिए फिर नाश्ता बनाएगी। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। पार्थ को स्कूल छोड़ा ही मैं, और उसके बाद 1-1.5 घंटा निकल चुका है। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोलूं आपको, और बस मैं ये बोलूंगी कि आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऐसे फ्लो करी हैं ना मेरे अंदर, मैंने उसे महसूस किया अपने आप। कैसे मैं आपको कुछ बता नहीं सकती अभी। गुरुजी की जब इच्छा होगी तब जो वो मुझसे बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस अभी अभी नाश्ता कराया मैंने मम्मी पापा को, मेथी के पराठे बनाए थे, दही के साथ दिए उनको, और अभी मेरी मेड आ चुकी है तो सुबह का जो रूटीन वर्क है, काम, साफ सफाई सब शुरू हो गया है। और मैं एडिटिंग पर बैठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे आज का व्लॉग एडिट करना है। हाँ, मैंने बल्कि व्लॉग जो है कल डाला ही नहीं। मैंने परसों गुरपुरब थी तब मैंने पोस्ट डाली थी कि आज व्लॉग नहीं आएगा, कल आएगा, और कल मेरा बिल्कुल तैयार पड़ा था बट मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। एक के बाद एक कुछ ऐसा होता रहा कि आई कुडंट अपलोड, तो 2 दिन का गैप हो गया। आज वो व्लॉग जाना है और अगला व्लॉग मुझे एडिट करना है। तो साफ़ सफाई वगैरह सब हो जाएगी घर की, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी एंड देखते हैं आगे दिन में क्या क्या करना है। मैस घंटा 2 घंटा जितना भी लगे सेट करना है। पाइल्स मेड ऑन माई बेड, वो वाला एम्प्टी हो गया है, मैंने पेपर बिछा दिया। अब सोच कर कि मुझे कैसे चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ मैं सेट करूँगी। तो गाइस मैंने शुरू कर दिए हैंगर में, जो मेरे सूट दुपट्टे वाले सेट हैं वो मैंने वहाँ पे हैंग कर दिए हैं। अभी मैं यहाँ पाइल्स बनाऊँगी डेली यूज़ वाले कपड़े वगैरह के हिसाब से। अभी मेरी मेड चली गई है सारा काम ख़त्म करके अच्छे से, और बाहर देख रहे हो आप ये जो चल रहा है, ये हमारे टावर की पेंटिंग का काम चल रहा है। सोसाइटी वाले हम सब लोग मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट करके RW हमारी सारे पेंट करा रहे हैं कॉरिडोर्स और बाहर से बिल्डिंग, काफ़ी टाइम से ड्यू था। तो बहुत सारे हैंगर निकाल लिए मैंने, लगेगा मुझे इसे कम घंटा और अभी, और शायद मैं अभी यही वाला खाना कर पाऊँ। इसके लिए फिर किसी दिन टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज सारा करने बैठूँगी तो दोपहर का खाना कब बनाऊँगी, पार्थ को लेने कब जाऊँगी, खुद कब नहाऊँगी। मेरा गीज़र भी ऑन किया हुआ है मैंने, आज हेयर वॉश करना है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फाइनली मैंने अभी यहाँ पे पाइल बनाया है और बस बाकी सब अभी इधर रख दिया बेड पे, और मैं चली गई थी नहाने। नहा धो के जय कर ली, हेयर वॉश हो गए मेरे अच्छे से, और अभी मैं किचन में बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्ज़ी, बिकॉज मैंने सुबह लंच के लिए दाल मखनी बना के दी थी पार्थ को और मोहित को, तो मम्मी दाल मखनी तो नहीं खाती हैं, साबुत दाल उनको बहुत हैवी लगती है, इसलिए मैं बीन्स आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। निकल गई
लाइट पे खड़ी हूँ अभी, बस 10 मिनट पहले निकली हूँ। मैं एडिटिंग कर रही थी मेरे नेक्स्ट मकबैंग वीडियो की, जो आपके जीजू के साथ चैलेंज किया है मैंने। कहाँ जाएगा भैया? आ गए हम स्कूल से पार्थ को लेके, और बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच है। ये रहा पार्थ, मतलब कुछ हुआ होना चाहिए ना, आउट। हाँ हेलो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आज। मम्मी कुछ मत बोलना, मुझे मैच देखना है। हाय गाइस, ओके, पार्थ को स्कूल से लाने के बाद उसे स्नैक्स वगैरह दिए। आई चेंज्ड इनटू दिस टी शर्ट, मेरी योगा क्लास थी और मुझे कुछ इंस्टाग्राम का ब्रांड वीडियो शूट करना था, वो मैंने शूट किया, योगा करी। आपके जीजू आ गए। गाइस इवनिंग टी टाइम, आ गए हैं आपके जीजू। स्वागत नहीं करोगे हमारा? जी आया हूं। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ओहो, फिट एंड फैट? फिट एंड फैट, कमाल दूंगी। भूख लगी? हां, चाय के साथ आज बना रही हूं मैं ये। लाइट जलाना गाइस। ये हैं गार्लिक ब्रेड स्टिक्स, ये जाने वाली है एयर प्योरीफायर में। ओह माय गॉड, तुम्हारा बेटा खा चुका है और उसको बहुत ही यम लगे। मुझे बता दे खुशबू आई इसकी। मैंने रेसिपी शूट नहीं करी है, बट मैं वैसे बता देती हूँ। मैंने गार्लिक छोटा छोटा काटा है, हरी मिर्ची और धनिया, उसको क्रश करके उसके अंदर ऑलिव ऑयल और बटर को मेल्ट करके, बीच में तुमने ऑलिव ऑयल और बटर मेल्ट करके उसमें सब कुछ डाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और ऊपर से इटालियन सीजनिंग। खानी है कि नहीं? चलो फिर बैठो, कपड़े बदलो। ये इसका बटन लगा देना। क्या हो गया? ये निकलने वाला है, ये देखो। हाँ तो यहाँ टांग दो, मैं लगा दूंगी। गाइस फॉर 5 मिनट्स एट 180 डिग्रीज। गाइस इतनी खुशबू हो रही है पूरे घर में इन ब्रेड स्टिक्स की। पार्थ कैसी लगी थी आज? जी बहुत बढ़िया थी, इसको तो मजा आ गया। लो जी, ये मेरी है सारी। हम दोनों खा रहे हैं चाय के साथ, और भी आ रही हैं एयर फ्रायर में, और रखी हैं 4 मैंने स्टिक्स। खा लो, तुम्हें जितनी खानी है तो एक ले लूंगी। सही है, गार्लिक ब्रेड ही ले। मासी जी का फोन आ रहा है।